इंपॉर्टेंट वट इज मेट बाई दिस इलेक्ट्रिक डाइपोल ठीक है जी वेरी इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल सिंपली आपका जो है वो ये है देखिए ये सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाई सम डिस्टेंस मान लेते हैं माइनस क्यू यहाँ है प्लस क्यू यहाँ है इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो मान लेते हैं ए बी है और ए बी जो है ये हम लेते हैं टू एल टूएल लेने से होता है कि कैलकुलेशन सिंपल हो जाती है आगे इसलिए टूवेल्ल लेते हैं भाई ना तो यहाँ पे जो ए बी है बेसिकली वो एक वेक्टर है और वो है टूवेल्व वैक्टर और वो मैंने ड्रॉ किया है माइनस क्यू से किस तरफ किया है ड्रॉप प्लस क्यू की तरफ दिस सिस्टम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल सो इट इज अ सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाई सम डिस्टेंस ठीक है सो so इस इसका अपना एक इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होगा उसका सिंबल पी होता है सो इट इज़ सिंपली द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज मैग्नीट्यूड क्या होगा भाई माइनस क्यू का भी क्यों भी लेंगे है ना प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ हाइदर चार्ज एंड डाई लेंथ डाइफो लेंथ भी इनके बीच का जो डिस्टेंस लिया था हमने वो मैंने वेक्टर लिया था और उस वैक्टर को मैंने कैसे ड्रॉप किया था बोलो माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ तो ये तो कोई पूछा एल वैक्टर की डायरेक्शन क्या है माइनस क्यू से प्लस क्यू तो पी वेक्टर की डायरेक्शन भी क्या होगी माइनस क्यू से प्लस क्यू सो डायरेक्शन ऑफ पी वेक्टर इज फ्रॉम भेयर टू फेयर माइनस क्यू टू प्लस क्यू बिल्कुल नहीं भूलेंगे और यूनिट क्या होगा अभी इसका यूनिट हो जाएगा अभी पी का एस आई में बोलिए इसका होता है अभी कूलम और लेंथ का होगा आगे मीटर सो इट इज़ कूलम मीटर ठीक है जी कूलम मीटर को आप ऐसे नहीं लिख सकते मिली एम सी नहीं लिख सकते इसको मिली कूलम पढ़ते हैं मिली का मतलब टेन पाउ माइनस थ्री कोलम तो हो जाएगा ये तो चार्ज की वैल्यू हो so, गई सो कूलोमीटर लिखना पड़ेगा ठीक है so, ये था तो इलेक्ट्रिक डाइप बोलिए था आगे बढ़ते हैं बात करते हैं कि ये जो आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल है जो मैंने अभी बताया माइनस क्यू प्लस क्यू देखो भाई ये जो लाइन इसको ज्वाइन कर रही है इन चार्जेस को इस लाइन को आगे बढ़ा दो ऐसे ये तो ये सारी लाइन जो होती है इसको बोलते हैं एक एक्स लाइन एक्सियल लाइन ए एक्स आई एल एक्स लाइन ठीक है जी और यदि इसका सेंटर ओ है इस डाइपोल का और एक ऐसी लाइन जो इसके सेंटर से गुजर रही है और इसकी लेंथ के परपेंडिकुलर है इस लाइन को बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन ठीक है जी इक्टोरियल लाइन इज ए लाइन विच इज प्रपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ विच इज प्रपेंडिकुलर टू लेंथ ऑफ टाइपोल एंड पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ओके सो अब आ, हमारे जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनेंगे वो एक्सियल लाइन पे कोई पॉइंट लेंगे यहाँ जैसे वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता करेंगे सिस्टम की इस सिस्टम में कितने चार्जेस हैं दो हैं एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है फिर यही पॉइंट उठ के इक्टोरियल लाइन पे चला जाएगा यहाँ तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता करेंगे तो ये मेन क्वेश्चन है इस चैप्टर के ओके okay. जो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं ठीक है शुरू कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को मैं ई एफ आई बोल देता हूँ ठीक है जी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट निकालेंगे और वो पॉइंट जो है वो एट ए पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक्सियर लाइन ऑफ कौन सा डाईपोल गई इलेक्ट्रिक डाइपोल सो ये होने वाला है अब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैरी थ्री मार्क्स ठीक है जी सो भाई ये है डायग्राम आपकी जिसको हम यहाँ से उठाएंगे सो ये आपकी डाइग्राम आ गई ये ठीक है जी ये आपकी डायग्राम आ गई आप देखो ये जो मैंने अभी डाइपोल बनाया था वही है ये देखो ये माइनस क्यू है ये प्लस क्यू है दोनों के बीच की डिस्टेंस टू एल है और यही लाइन मैंने आगे प्रोड्यूस करी तो कौन सी लाइन बन गई एक्जील लाइन तो एक्जियल लाइन पे कोई पॉइंट पी लिया है मैंने यहाँ पे ये देखो दिख रहा है आपको ये पॉइंट पी है यहाँ टारगेट इज़ यहाँ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता करनी है तो एक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसकी होगी यहाँ पे और एक इसकी होगी मतलब एक माइनस क्यू की होगी और एक इसकी होगी प्लस क्यू की होगी और डायरेक्शन देखनी पड़ेगी बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज वैक्टर हो ठीक तो है सो सेंटर ऑब्जर्वेशन पॉइंट का डिस्टेंस हमेशा सेंटर से लेना है सेंटर ऑफ इज जो ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट का डिस्टेंस आर ले लिया अभी यहाँ तक तो मुझे ये बताओ कि प्लस क्यू से यहाँ तक कितना बचा देखो ये टू एल है तो यहाँ से लेके यहाँ तक तो बचा ये एल और आगे है ये और यहाँ से लेके यहाँ तक है आर तो ये बीच वाला कितना बचा ये ये बीच वाला बचा आर माइनस एल ठीक है जी मतलब इस चार्ज से पॉइंट बी का डिस्टेंस हो गया आर माइनस एल पॉजिटिव क्यू से और नेगेटिव क्यू से कितना होगा बताओ नेगेटिव क्यू से यहाँ से लेके के यहाँ तक देखो कितना है यहाँ से लेके कर यहाँ तक कितना है एल और यहाँ से लेके कर यहाँ तक आर है ये लिखा हो नीचे तो आर प्लस एल तो यहाँ से इस चार्ज का डिस्टेंस हो जाएगा आर प्लस एल बोलने का मतलब ये हो गया कि प्लस क्यू से ऑब्जर्वेशन पॉइंट पी का डिस्टेंस हो गया आर माइनस एल और माइनस क्यू से हो गया आर प्लस एल यानी आपने बोलना डिस्टेंस से लग के पता ठीक है जी अब ध्यान से सुनेंगे पॉइंट पी पे इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या होगी हाँ तो डायरेक्शन के लिए मैंने बताया था कि जिस तरफ पॉजिटिव वन मूव करे जिस तरफ ये यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज मूव करे अब बताओ माइनस क्यू की वजह से ये इसकी तरफ ही जाएगा तो इधर को गया देखो ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई टू मान ली मैंने इसकी माइनस क्यू की और वो इसकी तरफ ही होगी वैसे मैंने बताया था कि नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन उसकी तरफ ही होती है तो हम इसकी बात कर रहे हैं अभी है ना माइनस क्यू की जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी पॉइंट पे उसकी डायरेक्शन क्या होगी उसकी तो उसकी तरफ ही होगी ये टू ठीक है अब इसकी वजह से पता करो पॉइंट पी पे इस चार्ज पॉजिटिव क्यू की डायरेक्शन क्या होगी पॉजिटिव यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार यहाँ रखे टेस्ट करो कहाँ जाएगा पॉजिटिव ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्शन होता है तो इधर को जाएगा इसका मतलब इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पॉइंट पी पे डायरेक्शन जो होगी उसकी वो राइट साइड को होगी ई वन ठीक है जी तो मुझे अब मैगनीचूल लिखा दो ई वन किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है बोलते जाओ ई वन है पॉजिटिव क्यू की कौन से पॉइंट पे पी पे बोलो वैल्यू हाँ वन पॉइंट फोर बाईस नॉट ऑफ चार्ज क्यू बटे डिस्टेंस का स्क्वायर तो इसका डिस्टेंस कितना है यहाँ से बोलो जी ये डिस्टेंस कितना है आर माइनस एल का होल स्केयर जी और ये डायरेक्शन किस तरफ है इस इवन की तो मैग्नीट्यूड लिखा ना मैंने इसकी डायरेक्शन है राइट right साइड को तो यदि डायरेक्शन राइट साइड को है तो यूनिट वेक्टर वैक्टर एक्सएक्से जा रही है इधर को तो यूनिट वेक्टर राइट रेक्ट साइड को होता है क्या होता है आई कैप पॉजिटिव आई कैप तो ये डायरेक्शन जो है राइट साइड को मैं आई कैप से लूँगा तो ये बन गया वैक्टर आप जी एक बार फिर ये मैग्नीट्यूड हो गया इसका और ये डायरेक्शन हो गई तो ये बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है किसकी प्लस क्यूब की ठीक है तो ये क्वेश्चन नंबर वन बोल दो चलिए अच्छा अब माइनस क्यूब की भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी यहाँ पे तो डिस्टेंस देखनी पड़ेगी तो डिस्टेंस ये कितनी है आर प्लस एल तो ई टू हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ माइनस क्यूब एट सेम पॉइंट पी मैग्नीट्यूड लेना है यहाँ माइनस क्यूब है लेकिन फिर यहाँ मैग्नीचूट लेते हैं अपॉन इसका डिस्टेंस यहाँ से ये मैंने बताया था आर प्लस एल ये आ जाएगा अब डायरेक्शन बताओ ई टू को हो ई टू की डायरेक्शन तो लेफ्ट साइड को है इसका मतलब इट इज़ अलॉन्ग नेगेटिव एक्स एक्सिस सो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में डायरेक्शन यदि आयोटा कैप से दिखाई जा रही है तो उसमें माइनस आयोटा कैप से दिखाएंगे या माइनस आई कैप से दिखाएंगे ये रखें ध्यान ठीक है सिंपल सेंस है कि राइट right साइड को है तो हाँ आई कैप से दिखाई जा रही है तो लेफ्ट साइड को किससे दिखाएंगे माइनस आई कैप से बिल्कुल सिंपल ठीक है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है पॉइंट पी पे इस सिस्टम की ये सिस्टम है दो चार्जेस का ये इसमें एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है तो मेरे को बताओ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी फिर यहाँ पे दो वेक्टर्स हैं तो नेट क्या होगी वेक्टर सम हो जाएगा इनका सो so, नेट या टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पी एस सिंपली वेक्टर सम ऑफ दिज टू ऐड कर दो वेक्टर हैं ये तो उनको ऐड कर दो सो so, नेटिव हो जाएगी आप वैल्यू कोड कर दो वन और टू से कौन बताएगा वैल्यू फ्रॉम वन एंड टू कांस्टेंट के हाँ बोलिए अब ई की वैल्यू बोलिए ई की वैल्यू ये है ये क्यू को बाहर लिख दो बोलो क्या बचा अंदर वन अपॉन आर माइनस एल का होल स्केयर ठीक है अच्छा अब आप इसको इसमें ऐड करो इसमें तो माइनस आ रहा है तो ये माइनस आ गया प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया के क्यू यहाँ भी है यहाँ भी है के क्यू मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा वन अपन यहाँ वन ना अपॉन क्या बचा नीचे आर प्लस एल होल स्केयर ठीक है जी ठीक है अब यदि मैं सिंपल सी सेंस की बात करूं यहाँ क्योंकि मैंने वेक्टर लगाया ना यहाँ पे अब आप देखो इन दोनों में मैग्नीट्यूड किसका ज़्यादा है ई वन का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है कि ई टू का तुम वैसे ही देख लो कि यहाँ जो चार्ज नज़दीक होगा पॉइंट पी के तो वहाँ उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगी क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इन्वर्सली होती है डिस्टेंस का हो उसकेर होती है तो ये डिस्टेंस यहाँ कम है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ ज़्यादा होगी तो इसका मतलब इसकी है कितनी इसकी ई वन है तो ई वन इज़ ग्रेटर दैन ई टू ई वन इज ग्रेटर दैन ई टू सो नेट लैक्टिव फील्ड जो आएगी वो उसी डायरेक्शन में आएगी जो इन दोनों में बड़ा है तो बड़ा कौन है ई वन तो ई वन की डायरेक्शन किस तरफ है पॉजिटिव एक्सेस की तरफ सो इट इज़ अगेन अलॉन्ग आई कैपैंड छूट हो गया ये डायरेक्शन ठीक है जी सो so, आगे बढ़ेंगे और इसमें सॉल्व करेंगे इसको सो so, यहाँ से आप इसको सॉल्व करते हैं और ये बन गया देखो ई वेक्टर इज इक्वल टू के क्यू बोलो नीचे हाँ ये बन जाएगा देखो ये बन जाएगा आर माइनस एल इंटू आर प्लस एल और उसका बन जाएगा होल स्क्र उसका बन जाएगा होल स्क्र ये बन गया और ऊपर क्या बचा आर माइनस एल आर माइनस एल कैंसिल हो गया तो यहाँ बचेगा r प्लस एल का होल स्क्र माइनस आर प्लस एल प्लस कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर के साथ तो क्या बचेगा आर माइनस एल का होल स्क्वायर और आगे आई कैप जो डायरेक्शन दे रहा है so ये होने वाला है ठीक है जी आगे बढ़ते हैं और इसको सॉल्व करते हैं तो दिस इज आंसर नाउ ये आने वाला आंसर आपका इसके आगे देखेंगे ये अब क्या होने वाला देखो ई वेक्टर इज इक्वल टू के क्यू ऐसे ये फॉर्मूला है देखो इधर ए बन गया ए प्लस बी का ऑल स्क्र माइनस ए माइनस बी का ऑल तो ए प्लस बी का ऑल स्केर माइनस ए माइनस बी का ऑल होता है फोर ए बी तो यहाँ जगह फोर की जगह आर है फोर आर एल हो जाएगा आर बी की जगह एल है अब नीचे क्या बना देखो ये आर माइनस एल लिखा है मैंने आर माइनस एल स्क् यहाँ भी था यहाँ भी था तो मैंने एक बार लगा दिया बार ना लेकिन अंदर क्या बन गया फिर ए माइनस बी टू ए प्लस बी क्या होता है ए माइनस बी टू ए प्लस बी ए स्क्वेयर माइनस बी बन गया आर स्क्र माइनस एल क्यों होने वाला है ये रोई बात और फिर आस्केर में से एल बन गया और इसका बाहर स्क्वेयर भी है ठीक है जी और ये आ जाएगा आपके पास आई कैप ठीक है अब इसको तोड़ के लिखेंगे देखो ए गया आपका के को लिख दो क्या होता है वन पॉइंट फोर फाइव सेलन नॉट होता है ठीक है जी और ये लिखो इसको देखो क्यू इंटू टू एल को अलग से लिख दो क्या लिखेंगे इसको टू क्यू इंटू टू एल इन टू आर देखिए तोड़ के लिखा मैंने किया। और, उसका है। और आगे क्या है आई कैप ये होने वाला है। अभी मैंने बताया था क्यू इंटू टू एल होता है के केस में। ये मैंने बताना भूल गया तो मैं अब बता देता हूँ आपको जो मैंने डाइपोल मोमेंट बताया था वो बताया था पी वो है प्रोडक्ट ऑफ बताया था आपको ये प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइर चार्ज एंड डाइपोल लेंथ ये बताया था मैंने तो क्यू इंटू एल को क्या लिख सकते हैं पी लिख सकते हैं ठीक है जी सो लिख दो यदि मैं यहाँ से लिखना चाहूँ तो ये आ जाएगा देखो ये होने वाला है फिर ई इज इक्वल टू टू पी आर हो गया ये अपॉन हाँ यदि वेक्टर ही लगाना है तो लगाते रहो पी भी वैक्टर है यहाँ पे सो अपना सा स्क्र माइनस एल स्क् और उसका होल स्केयर और फोर पाई एफ नॉट और आई क्लैफ सो डायरेक्शन जो है वो राइट साइड को आई ना नैट ई की राइट साइड को बताई थी ना मैंने और राइट साइड को किसकी डायरेक्शन होती है माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ किसकी डायरेक्शन होती है पी की सो आप बोल सकते हो इक्वेशन नंबर इसकी वन टू थ्री बोल दो बोल दो सो डायरेक्शन so, जो होगी वैक्टर की वेरी इंपॉर्टेंट डायरेक्शन ऑफ ई वैक्टर इज अलॉन्ग पी वैक्टर क्योंकि पी वैक्टर जो होता है उसकी डायरेक्शन होती है माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ और हमारे पास जो नेट फील्ड आई है क्योंकि ई वन का मैग्नीट्यूड ज़्यादा था ई टू से तो नेट फील्ड आएगी इसी तरफ और इस तरफ किसकी डायरेक्शन होती है मैंने बताया पी की सो so, एक, एक नंबर का क्वेश्चन आता है कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आती है एक्जी लाइन पे कोई पॉइंट पी है तो वो किस दिशा में होती है उसकी डायरेक्शन क्या होती है तो आपने बोल देना वो डाइपोल मोमेंट के वेक्टर डाइपोल इलेक्ट्रिक डाइपल मोमेंट जो वेक्टर है उसके अलॉन्ग होती है मतलब उसकी दिशा में होती है ठीक है जी ये आर्टिकल ख़त्म हो गया और अब हम करेंगे कि इसका कोई स्पेशल केस हो सकता है ये वाला हमने याद रखेंगे आप ये जो भी लिखा है इक्वेशन थ्री तो इसका यदि मैं थोड़ा सा शॉर्ट डाइपोल के लिए स्पेशल केस बनाते हैं इसका सो स्पेशल केस और शॉर्ट डाईपोल देखो भाई शॉर्ट डाईपोल में क्या होने वाला है देखो भाई शॉर्ट डाईपोल के लिए जो उसकी लेंथ है वो बड़ी कम हो जाएगी आर तो वैसे ही रहेगा है ना कोई डाईपोल छोटा हो गया देखो ये तो ये जो इसकी लेंथ है ये पहले ऐसे था पहले बड़ा था तो ये लेंथ इसकी कम हो गई ऑब्जर्वेशन पॉइंट तो वही है ऑब्जर्वेशन पॉइंट थोड़ी हम छिड़ रहे हैं आर तो सेंटर से लेते थे यहाँ तक तो सेंटर से आर तो वही है बोलने का मतलब ये हो गया कि जो आपका शॉर्ट डाईपोल है उसके लिए एल इज वेरी वेरी लेस देन आर देयर फोर जो एल स्क्र है वो आर स्क्र के कम्पेरेटिवली जीरो लिख सकते हैं आप यहाँ पे ठीक है जी सो so, यहाँ लिख दो एल स्क्र नहीं लिखना है तो क्या बचा है बोलो देर फोर फॉम इक्वेशन थ्री इज इक्वल टू हाँ टू P आर बटे फोर पाई एफसेल एन नॉट और यहाँ बचा देखो आर स्क्र और उसका होल स्क्र तो आर की पावर कितना बचा फोर क्लियर हुई बात तो यहाँ टू एक आर कट जाएगा टू पी पटे फोर पाई एफ साल नॉट इन टू आर की पावर थ्री सो भैया ये इलेक्ट्रिक फील्ड होने वाली है फिर शॉर्ट डाइवोट के लिए नमेरिकल इसके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए शॉर्ट डाइवोट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई ठीक है जी तो आपने ये सीखना यहाँ से सीख लिया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है एक्जील लाइन पे और शॉर्ट डाइपोल वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब होती है ठीक है जी तो एक्जिल लाइन का केस खत्म होता है आप याद रखें कि एक्सल लाइन से उठ के अब पॉइंट कहाँ चला जाएगा ये पॉइंट उठ के चला जाएगा इक्टोरियल लाइन पे कहाँ होगी इक्टोरियल लाइन यहाँ से जो उसकी प्रपेंडिगल होगी यहाँ बैठ जाएगा पॉइंट पी जाके तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे फिर उसकी भी इलेक्ट्रिक फीड इंटेंसिटी सिस्टम की कौन से पॉइंट पर निकालेंगे अब आप्टटोरियल लाइन पर जो पॉइंट होगा और शॉर्ट डाइपोल के लिए करेंगे स्पेशल केस फिर तो यहाँ टू नहीं आएगा फिर उसमें तो उसमें इक्विटोरियल लाइन पे आएगा P अपॉन क्या आएगा बोलो फोर बाई से नॉट आर क्यूब तो याद रखें मतलब एक्सियल लाइन पे डबल हो जाती है फील्ड यदि इक्विटोरियल लाइन पे एक्स है तो एक्सियल लाइन पे सेम डिस्टेंस में जाके डबल हो जाती है इक्विटोरियल का लेकिन टाइपों समझ ये बोलो शॉर्ट चलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ऑन ियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक तो ये करने वाले हैं ये करने वाले हैं हम ठीक है जी तो इसके लिए डायग्राम देख लें तो ये है इसके लिए डायग्राम ये आ गई डायग्राम जी ये है डायग्राम ठीक है तो इक्टोरियल लाइन पे है कोई पॉइंट अब ये ध्यान से समझेंगे इसको मैं इधर चला जाता हूँ ठीक है सो so, ये है जी आपका अब आप देखेंगे बड़े ध्यान पूर्वक सो so, देखिए जरा फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है उस पॉइंट पे जो कौन सी लाइन पे बोलो क्विटोरियल लाइन पे है इलेक्ट्रिक डायपोल में, ठीक है जी अब ये देखो ये है वो इलेक्ट्रिक टाइप और माइनस क्यू प्लस क्यू सेंटर है इसका सेंटर से जो लाइनस इसकी लेंथ के ऊपर पेडिकल होगी और सेंटर से गुजरेगी तो ये है पॉइंट पी अब आप। यहाँ आपने पता करनी है अब इस, इस सिस्टम की क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नेट चलिए शुरू करते हैं ये देखो भी यहाँ पॉइंट ए पे कौन बैठा है माइनस क्यू बी पे कौन बैठा है प्लस क्यू ठीक है जी और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस टू एल है तो ये भी एल बचा इधर को ये भी एल बचेगा ये भी एल बचेगा लिखा है देखो तो नीचे ऑब्जर्वेशन पॉइंट का डिस्टेंस सेंटर से क्या लेते हैं आर लेते हैं ठीक है जी अब नाइन्टी डिग्री का एंगल है पाइथागोरस तो थ्योरम लगा दो इस ट्रा में नाम बोलो ए ओ पी में पाइथागोरस तो थ्योरम लगाएंगे तो ये आर है ये एल है तो ये क्या बनेगा इधर को बोलो हाईपोर्टिन्यूज क्या हो जाएगा हाईपोर्ट न्यूज हो जाएगा आर स्क्रंडर सेम इज द केस ऑन राइट साइड इधर भी सेम ही है एंगल भी नाइन्टी है एल है ये आर है तो ये कितना होगा आर स्क एल्स के अंडरउट अब देखो इस पॉइंट पी पे यदि मैं यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखूँगा क्यों रखूँगा ताकि मैं जो चार चीज़ बैठे हैं इनकी डायरेक्शन पता कर लूँ इलेक्ट्रिक फील्ड की ठीक है पॉजिटिव चार्ज ले, ले लेते हैं पहले पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर होगी डिस्टेंस पता होनी चाहिए मैग्नीट्यूड के लिए ठीक है लेकिन डायरेक्शन क्या होगी रखो यहाँ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज देखो इसकी वजह से वो कहाँ जाएगा इस तरफ जाएगा भाई तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसकी कितनी है यहाँ पे पहले बताया ई वन है ठीक है जी और उसकी डायरेक्शन ये मार्क हुई जिस तरफ ये मूव करेगा बिकॉज ये पॉजिटिव है भी पॉजिटिव है टेस्ट इसको कर रहे हैं तो ये पॉजिटिव कहाँ मूव करेगा ये यूनिट पॉजिटिव टेस्ट आज कहाँ मूव करेगा इसी लाइन के लॉन्ग जाएगा लेकिन अब जाएगा बिकॉज रिपेल होगा चलिए अच्छा अब इस चार्ज को देखो इसकी वजह से क्या होगा यहाँ पे इसकी ड्यू टू तो दिस नेगेटिव क्यू वट विल विल विद डायरेक्शन ऑफ माइनस क्यू एट पॉइंट पी ठीक है रखो प्लस वन रख दिया कहाँ जाएगा भी इसकी वजह से अरे ये तो नेगेटिव है तो इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा तो ये ई टू है और ये क्या है ई वन एंगल यदि थीटा है तो इसके बिल्कुल पैरल एक लाइन यहाँ ज्वाइन करो एक लाइन यहाँ ड्रॉ करो तो एंगल भी थीटा होगा ऊपर इधर भी थीटा होगा तो टोटल एंगल कितना हो गया बोलो टू थीटा ठीक है जी अब ई वन जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसकी है बोलो कॉन्स्टेंट के ई वन इसकी है हाँ तो इस पॉइंट पे वी मैगन जो लिखाओ के डिस्टेंस का स्क्वायर डिस्टेंस कितनी है आर स्क्र प्लस एल स्क्र और उसका अंडर रूट है अंडर रूट का स्क्वेयर करेंगे तो ये आ जाएगा ठीक है जी और डायरेक्शन किस तरफ होगी बी से पी की तरफ अलॉन्ग बी पी ये आ गई इक्वेशन नंबर वन ठीक है जी अब आप मेरे को बताओ ई टू कितना होगा ई टू तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी यहाँ पे डिस्टेंस पता चाहिए डिस्टेंस तो सेम है जैसे इधर है वैसे ही इधर थी के और यहाँ मैंने बोला माइनस क्यू होगा तो हम मैग्नीचूट लेते हैं तो क्यू अपॉन डिस्टेंस तो सेम ही है डिस्टेंस इसका स्क्यर करेंगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा ऊपर वाला यहाँ आर स्क्र प्लस एल स्क्र और अब आप मेरे को ये बताइए कि इसकी डायरेक्शन किधर है पी से ए की तरफ अलॉन्ग पी ए ये डायरेक्शन लिखी मैंने और इसको बोलते थे क्वेश्चन टू अच्छा ये वन और टू में यदि बड़े ध्यानपूर्वक देखें आप तो मुझे ये लग रहा है कि मैग्नीच्यूट तो सेम है दोनों के मतलब जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस क्यू की पॉइंट पी पे होगी उतनी ही प्लस क्यू की पॉइंट पी पे होगी मैग्नीट्यूड में इसका मतलब फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू आपको क्या लग रहा है ई टू इक्वल टू क्या आ गया ई वन ई टू की जगह क्या लिख सकते हैं ई वन ये वो बात अब आप देखो नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन ये है कि ठीक है इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी भी है इसकी भी है इसकी जो है वो ई वन है इसकी जो है वो ई टू है तो दो वैक्टर एक ही पॉइंट से निकल रहे हैं ठीक है तो पैरलोग्राम लॉ लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लग जाएगा दो वैक्टर अब एक पॉइंट निकलने तो उनका रिजल्टेंट कहाँ से निकलेगा उनका रिजल्टेंट डायगनल होगा पैरलोग्राम का और वो भी उसी पॉइंट से ड्रॉ होगा ये देखो ये बन गया आपका पैरलोग्राम ये बना ना पैरलोग्राम ये चतुर्भुज बन गया देखो ये समांतर चतुर्भुज बन गया बन गया तो क्वेश्चन है ये होगा डायगनल और ये होगा रिजल्टेंट सो हो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या बोल दिया ई तो ई क्या होगा बताओ एक वैक्टर ये है इधर को ई वन और इधर को कौन है बोलो ई टू हालांकि ई वन ई टू के बराबर है या ई टू ई वन के बराबर है और दोनों में एंगल क्या बोलो जरा थीटा ऊपर थीटा टोटल एंगल बोलो कितना आ गया है टू थीटा तो रिजल्ट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी बताओ हाँ ई वन स्क्र प्लस ई टू आपने पढ़ाई यार्वेयर प्लस बी स्क्र प्लस टू ए बी को सीटा स्क्वेयर रूट है ना तो वो बो बोलो उस तरीके से कर लेते हैं सो ये होने वाला है सो ये देखिए अभी अब मैं यहाँ लिखने वाला हूँ ये देखिए हम नेक्स्ट चलते हैं सो रिजल्ट या नेट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी इज बोलो फॉर्मूला ई इज इक्वल टू अंडर रूट क्या बताया था मैंने ई वन स्क्वेयर प्लस दूसरी कौन सी है ई टू स्क्वेयर प्लस टू ई वन ई टू और आगे क्या है कॉस ऑफ एंगल टू थीटा जाएगा अब मैंने बताया था बिकॉज ई टू इज इक्वल टू ई वन था तो ई टू की जगह ई वन लिख दूंगा तो बन गया ई तो वन स्क्वेयर ई टू की जगह ई वन लिखो ई वन स्क्वेयर तो बन गया टू ई वन ई टू की जगह ई वन लिखूंगा तो क्या आ जाएगा ई वन कॉस टू थीटा और इसका क्या है गया यहाँ से सो so, ई इजिकल टू बोलो क्या आने वाला है ई वन स्क्स ई वन स्क्र बन गया टू ई वन स्क्स और बन गया टू ई वन स्क्र कॉस टू थीटा बोलो भी कॉमन क्या है देखिए भी कॉमन जो है वो क्या होने वाला है कॉमन e इक्वल टू हाँ बोलो हुँ, टू ई ई वन स्क्वेयर रूट के साथ कॉमन है तो ई वन बचेगा ई वन स्क्र यहाँ भी है यहाँ भी है लेकिन पुरान रूट भी है तो ई वन बचेगा और अंदर क्या बचेगा बोलो अंदर बचेगा टू प्लस टू कॉस टू थीटा अब कॉमन क्या है अब कॉमन टू है अंदर बोलो क्या बचा टू कॉमन आ गया वन प्लस कॉस टू थीटा वन प्लस कॉस्ट टू थीटा का फॉर्मूला लगा दो हाँ वो होता है वन प्लस कॉस्ट टू थीटा ट्रिगनोमेट्री में टू कॉस्थ थीटा क्या होता है भाई टू कॉस्केयर थीटा अब टू टू जब फोर हो गया फोर का रूट टू होता है थ्री टू बार आ गया लगा ना पता टू जब फोर फोर कंड्रोड टू टू ई वन और आगे क्या बचा हाँ कॉस्केयर थीटा से अन कैंसिल हो जाएगा स्केयर से तो ये कॉस थीटा तो ये आने वाला है ले रो ही बात लेकिन मैं आगे बढ़ूँ तो मैं बात करता हूँ कि आगे क्या आ रहा है आगे हमारे पास आ गया इज इक्वल टू टू ई वन काटा अब ये ई वन की वैल्यू पूरा कर दो सो तो ए बन गया टू ई वन की वैल्यू थी के हाँ, क्यू अपॉन आर स्क्र इक्वेशन वन से प्लस एल स्क्र ये थी और ये वन यूज़ करी और कॉस थीटा की वैल्यू ऐसे था ना फिगर आपका ये है ना ऐसे था ना फिगर ये ये एंगल थीटा था ये एल था ये आर था ठीक है और ये क्या था इधर को आर स्क्र प्लस एल स्केर का ये ओ था सॉरी पी था, था ये ओ था ट्राइंगल ए पीओ में कॉसिटा बताओ so, सीटा हो जाएगा बेस बट एन एल अपॉन आर स्क स्क्र का लिख दो. L क्या बताया आर स्क्र प्लस एल मतलब होता है पावर हाफ यहाँ पावर लिख दो हाफ तो कुछ नहीं किया मैंने कॉसिटा की वैल्यू कौन सी ट्रायंगल से निकाली ए पी ओ से ली रोई बात सो एक सीटक की वैल्यू पुट कर दी जैसे वैल्यू पुट कर दी ई वन की वैल्यू और कॉसिटक की वैल्यू सबने पुट कर दी है अब बस आंसर आ चुका है अभी तो ये आंसर देखिए अब आप देखो ये बन गया यहाँ पावर एक है यहाँ पावर हाफ है तो कितना बन गया ये हाँ क्यू इंटू टूवेल्व क्या बताया था मैंने के वैल्यू लिख दो पहले तो वन पॉइंट फोर फाइव सेलैन नॉट ठीक है और क्यू इंटू टूवेल्व बताया था मैंने पी ठीक है और नीचे क्या बचा आर स्क्र प्लस एल स्क्र और यहाँ पावर एक है और यहाँ हाफ़ है तो एक प्लस हाफ यदि पावर करेंगे तो क्या बचेगा थ्री बाई टू और डायग्राम यदि हम ऐसे बना रहे थे यहाँ माइनस क्यू था यहाँ प्लस क्यू था यहाँ पॉइंट पी था ये सेंटर से कितने डिस्टेंस पे था आर पे इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आई थी इसकी और नेगेटिव क्योंकि उसकी तरफ ही थी तो रिजल्टेंट फील्ड इधर को आई थी मैंने बताया था पहले ग्राम ना तो रिजल्टेंट फील्ड की डायरेक्शन पी से आर की तरफ है पी से आर की तरफ है और माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ किसकी होती है डाइपल मोमेंट की और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पी से आर की तरफ और इसकी माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ तो अपोजिट हो गई ना तो डायरेक्शन यदि बोलना है आपने तो so, डायरेक्शन जो होगी इस ई की वो अपोजिट टू पी होगी लगा पता सो so, ये आ गया सो थ्री बाई टू अपोजिट टू पी वेक्टर लगा पता अपोजिट टू पी क्यों है क्योंकि पी तो माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ है और रिजल्टेंट फील्ड आपकी इधर है पी इधर को है और रिजल्टेंट फील्ड इधर इधर रिजल्टेंट रिजल्टन फील्ड इंटेंसिटी है वो वो इस तरफ है मतलब ये लेफ्ट से राइट है और ये राइट से लेफ्ट है तो अपोजिट हो गई तो ई e और पी में क्या एंगल बना वन एटी डिग्री एंटी पैरेलल एंक दूसरे के याद रखेंगे एक नंबर में क्वेश्चन आता है ठीक है जी तो आगे बढ़ते हैं और इसमें स्पेशल केस लेते हैं स्पेशल केस इसी पर लग जाएगा याद रखें जो फॉर्मूला लिखा गया आपके सामने ये स्पेशल केस में मैंने बताया था फॉर शॉर्ट डाइपोल तो शॉर्ट डाईपोल के लिए मैंने बताया था कि जो जो लेंथ होगी वो वेरी वेरी लेस देन आर हो जाएगी तो एल स्क्र जो है वो आर स्क्यर के कंपेरेटिवली क्या लिखेंगे जीरो ठीक है जी ठीक है फिजिक्स में जब एल इज़ वेरी वेरी लेस देन आर का मतलब है एल बहुत छोटा है मतलब जीरो वन के बीच है तो जीरो वन के बीच कोई नंबर लो जीरो पॉइंट टू ले लिया हाँ अब जीरो पॉइंट टू का स्क्वेयर करो जीरो पॉइंट टू का स्क्यर कितना हो जाएगा ज़ीरो पॉइंट जीरो ज़ीरो फ़ोर अब ये देखो ये चीज़ जो है ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो फोर ठीक है अब ये चीज़ देखो पहले पॉइंट टू थी ये कौन था एल अब एल स्क्वेयर जो है वो कितना हो गया भैया और छोटा हो गया तो एल स्क्र का है को लिखना फिर ठीक है तो एल इज़ वेरी वेरी लेस देन आर मीन्स एल स्क्र बिल अप्रोच ज़ीरो इन कंपेरिजन टू आर समझे तो मत लिखो तो आपके पास बन जाएगा ये वाला फार्मूला आने वाला है आपके पास so l is very very less than r therefore l square will approach zero in comparison to r square therefore e कितना बन जाएगा इक्टोरियल line पे dipole e e का मतलब यहाँ इक्टोरियल line है पी so, epsilon naught तो यहाँ बचा l l square नहीं लिखना है तो बने गया r square और उसकी power कितनी है three by two two से two cancel so ये बोल रहा था मैं देखो equatorial line पे यहाँ two नहीं आया एक्स जेल में यहाँ two आया था समझे बात मेरी तो यहाँ देखो r की power थ्री बचाए तो ये होती है भाई तो मतलब इक्टोरियल लाइन पे यदि एक्स दे कोई फील्ड डिस्टेंस आर के लिए तो एक्स जी लाइन पे कितनी हो जाएगी डबल हो जाएगी टू एक्स लेकिन फॉर सेम डिस्टेंस आर ठीक है जी तो रखें ध्यान तो ये था जो आपने कर लिया और अब हम नेक्स्ट आर्टिकल कर रहे हैं टॉर्क लगता है एक डाइपोल को देखो भाई जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं किसी रीजन में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो आपने पैरेलल स्ट्रेट लाइनों से रिप्रेजेंट करना है उसको

ठीक है जी सो वेरी सिंपल ये देखिए ये आ गया आपका ये चलो इसका डायग्राम वहाँ पड़ा होगा उसको वहाँ से उठाते हैं ये आ गया डायग्राम देखिए ये 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 आ गया ठीक है जी ये देखिए डायग्राम तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाइपोल है तो कौन बताएगा कि ये डाइपोल कहाँ है कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ये पैरल स्ट्रेट लाइन वैसे रिप्रेजेंट की जाती है हर जगह उसकी वैल्यू ई है मान लो डाइपोल ऐसे रख दिए टिड्डा करके ठीक है जी ये माइनस क्यू है उसका ये प्लस क्यू है ए बी पोजिशन में दोनों ठीक है जी अब इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कहाँ से आती है पॉजिटिव चार्ज से जा कहाँ रही है नेगेटिव मैंने बताया इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ही है ये ठीक है तो मुझे बताओ ये जो माइनस क्यू है डाईपोल का ये इस तरफ खींचेगा मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट इसको फोर्स लगेगा तो एक चार्ज क्यू को इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना फोर्स लगता है क्यू ही लेकिन ये माइनस क्यू है तो माइनस क्यू जो लगा राइट से लेफ्ट की तरफ अच्छा प्लस क्यू को किधर लगेगा बताओ प्लस क्यू इधर नेगेटिव है तो प्लस क्यू फील्ड की डायरेक्शन में ही अट्रैक्ट होगा इधर को बिकॉज पॉजिटिव है ना ये नेगेटिव इधर प्रोटेक्ट होगा तो कितना फोर्स लगेगा इस क्यू को कितना लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड में q हुई तो प्लस q ही लगेगा इसको ठीक है जी अब क्वेश्चन ये है कि ये जैसे इस लाइन कोई एक कोई को मान लो रॉड है ये कोई रॉड है इसको मान लो एक फोर्स इधर को लग रहा है ऐसे इसको एक फोर्स इधर को लग रहा है और एक फोर्स इधर को लग रहा है ऐसे ये लगाया इधर को -q हुई है और इधर को +q हुई है

जो फोर्स ही लगे माइनस क्यू ही प्लस क्यू ही ऐसे लगे इस पे कि डाइपोल इधर को रोटेट हो गया एंड दैट विल गिव राइज टू टॉर्क और नेट फोर्स पूछ ले कोई डाइपोल पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में तो नेट फोर्स तो ये देखो ये इधर माइनस क्यू ही लगा और उधर कितना लगा है प्लस क्यू हुई तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा बोलो जीरो सो so, नेट फोर्स ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल डाईपोल इट इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो बिल्कुल याद रखेंगे एक वन मार्क क्वेश्चन आता है लेकिन ये फोर्स ऐसे लगे कि दे कंस्टिट्यूट कंस्टीट्यूट फोर्सिस जो डाइपोल पे लगे ऐसे लगे कि दे कॉन्स्टिट्यूट ए कपल एंड दैट कपल गिव राइज टू टॉर्क टू डाइपोल एंड टाइपोल रोटेट इन एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन तो टॉर्क होता है मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स फोर्सूड लेंगे तो क्यों ही बोलेंगे मल्टीप्लाइड भाई आप देखो भाई प्रपेंडिकुलर डिस्टेंस देखनी है दोनों के बीच इन दोनों फोर्सेज के बीच तो भी प्रवेंटिकल डिस्टेंस देखनी है तो इसको आगे बढ़ाओ और वहाँ से एक प्रपेंडिकुलर ड्रॉक करो जहाँ मिलेंगे दोनों ये तो प्रवेंडिकल डिस्टेंस हो जाएगी बी सी बी सी तो इतना टॉर्क लगने वाला है अभी जो बी सी है बेसिकली इस ट्राइंगल में जाओ ए बी सी में और कौन से ट्राइंगल में जाना है बोलो इन ट्राइंगल ए बी सी कौन बताएगा ए बी सी में साइन थीटा क्या होगा ये होगा बी सी अपॉन ए बी बी सी अपॉन ए बी पर ए बी तो टो टोटल लेंथ है डाईपोल की यहाँ से यहाँ तक लेंथ कितनी होती है इसकी बोलो टू एल तो टू एल लिख दिया मैंने यहाँ बी सी अपॉन ए बी ए बी को टू एल बोल दिया फिकल टू तो कौन सा थीटा होगा बोलो साइन थीटा तो बी सी निकालो यहाँ से टू एल चला जाएगा इधर तो को टू एल साइन थीटा तो so, जहाँ आपको बी सी दिख रहा है वहाँ क्या लिख दो टूवेल्व साइंस थीटा लिखो यहाँ टू एल साइन थीटा सो टॉर्क आ जाएगा क्यू इन को इकट्ठा लिख दो और ई साइन थीटा को अलग से लिख दो क्यू इंटू टूएल्थ तो डाइपल मोमेंट होता है सो बन गया पी ई साइन थीटा तो ये फॉर्मूला नहीं भूलेंगे इतना टॉर्क लगता है बिल्कुल याद रखेंगे ठीक so, है सो वेक्टर फॉर्म में साइन थीटा मीन्स क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दीज टू है ना और टॉर्क की जो डायरेक्शन होगी वो इन दोनों के प्लेन के क्या होगी परपेंडिकुलर ठीक है और पी की डायरेक्शन ऐसे ऐसे माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ है तो बेसिकली जो एंगल थीटा है वो पी और ई में है इधर कोई है इधर कोई भी है सो व्हाट इज थीटा थीटा इज द एंगल बिटवीन पी वेक्टर एंड ई वेक्टर एंड व्हाट इज़ पी वेक्टर इस इलेक्ट्रिक डायपोल का इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट और उसकी डायरेक्शन क्या होती है माइनस क्यू से माइनस क्यू है ना और ये कौन है इधर ये प्लस क्यू है so, माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ होता है पी और ई ये है ई तो वो जा रहा है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ई और पी में एंगल है मतलब पी और ई में एंगल है थीटा ठीक है सो भी ये होने वाला है टॉर्क लगने वाला है डाइपोल को सो टॉर्क लगा पी ई साइन थीटा सो कौन बताने जा रहा है कि इसके स्पेशल केस करेंगे तो कितना होने वाला है स्पेशल केसेस में पहला केस आ जाएगा थीटा जब नाइन्टी है मतलब डाइपोल फील्ड के प्रपेंडिकुलर पड़ा है तो मैक्सिमम टॉर्क लगेगा बिकॉज साइन नाइनटी डिग्री पे बन हो जाता है और वो उसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है मैक्सिमम टॉर्क विल एक्ट ऑन डाइपोल व्हेन इट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड दूसरा केस में हो सकता है थीटा जीरो है तो फील्ड की डायरेक्शन के लॉन्ग है या फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट है तो फिर टॉर्क कितना हो जाएगा पी ई साइन जीरो डिग्री हो या कितना हो वन एट्टी डिग्री साइन जीरो भी आपका जीरो होता है वन एट्टी भी जीरो होता है नो टॉर्क विल एक्ट ऑन भी डाइपोल लास्ट आर्टिकल पोटेंशियल एनर्जी कितनी स्टोर करेगा अभी इसी इस सिस्टम को आगे बढ़ाएंगे पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिक डाइपोल व्हेन इट इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये भी तीन नंबर का क्वेश्चन है डाइपोल टॉर्क वाला भी तीन नंबर का था तो वहां तक तो पीछे तक तो आपने यहाँ तक तो वैसे ही करना है अभी बिल्कुल डायग्राम वही बनानी जो बनाई थी अभी और यहाँ तक पहुंच जाइए फटाफट यहाँ तक मैंने बोला सेम करना है ये कर लिया मान लो ठीक है इतना टॉर्क लग चुका है डायपोल को फिर थीटा इज द एंगल बिटवीन पी एंड ई पी इज़ इलेक्ट्रिक डाईपोल मोमेंट एंड इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ठीक है जी अच्छा तो हमने आपको बताया था कि ये डायपोल ऐसे पड़ा था तो ये माइनस क्यू था ये प्लस क्यू था और फिर इसको टॉर्क लगा था एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में वो लगा ये जो ऊपर लिखा गया है अच्छा भाई ठीक है यदि इसको सॉरी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में टॉर्क लगा था ठीक है यदि इसको एंटी क्लॉक वाइज मूव करना है और थोड़ा सा एंगल डी थीटा मूव करवाना है किसी एक्सटर्नल एजेंट को ठीक है तो फिर वर्क करना पड़ेगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इसको किस तरफ रोटेट कर रही है क्लॉक है ना और आप यदि उसको एंटी क्लॉक रोटेट करना चाहेंगे तो फिर सम वर्क हैज़ टू बी डन थोड़ा सा एंगल रोटेट करेंगे तो कितना एंगल है वो डी थीटा मान लो और कितना है तो आपको पता है इस वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस लेकिन रोटेटरी मोशन में क्या होता है फोर्स का रोल कौन प्ले करता है टॉर्क और डिस्टेंस का रोल कौन प्ले करता है एंगलो डिस्प्लेसमेंट तो दिस मच वर्क हैज़ टू बी डन तो स्मॉल वर्क डन या लिखेंगे स्मॉल वर्क डन टू रोटेट डाइपोल इन एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन थ्रू स्मॉल एंगल डी थीटा ठीक है जी अच्छा आप मेरे को बताओ कि टोटल वर्क डन कितना होगा इसको थीटा वन ओरिएंटेशन से थीटा टू ओरिएंटेशन पे मूव करना है सो टोटल वर्क डन के लिए इंटीग्रेट कर देंगे इंटीग्रेट इट डी थीटा और थीटा वन शुरू वाली ओरिएंटेशन है मतलब शुरू में इलेक्ट्रिक फील्ड में पड़ा है तो एंगल कितना बना रहा है उसके साथ थीटा वन और आपने किसी नए एंगल पर रोट करना है थीटा टू पर जी डब्ल्यू आ जाएगा और टॉक पुट कर देंगे पी ई इक्वेशन वन से इसको वन बोल दो ई साइन थीटा और आगे क्या है बोलो डी थीटा ठीक है जी अब पी ई कॉन्सटेंट है बाहर आ जाएंगे थीटा वन टू थीटा टू ठीक है जी तो डब्ल्यू इज इक्वल टू साइन की इंटीग्रेशन होती है माइनस कौन माइनस मैंने बाहर लिख दिया माइनस पी ई और साइन का इंटीग्रेशन हो गया कौन थीटा और लिमिट चले गए लास्ट में थीटा वन टू थीटा टू ठीक है जी तो टोटल वर्क लिख लेते हैं थीटा वन ओरिएंटेशन से थीटा टू पे रोटेट करना है तो वो टोटल वर्क डन ये आ जाएगा सो डब्ल्यू इज इक्वल टू कौन बताएगा माइनस पी ई कॉस थीटा टू माइनस कॉस थीटा वन पहले अपर लिमिट बनेंगे फिर लोअर लिमिट बनेंगे माइनस लगा के ये फॉर्मुला बिल्कुल याद रखना है आपने अच्छा मान लेते हैं शुरू में फील्ड के नाइन्टी डिग्री पे पड़ा है मतलब शुरू में फील्ड के नाइन्टी डिग्री पे है थीटा वन नाइन्टी हो गया और नई ओरिएंटेशन थीटा टू पे रोटेट करना है वो मान लेते हैं थीटा है और कन्वीनियंस मैंने ये चीज़ें मान ली ठीक है तो अंडर दिस कंडीशन यही W जो है वो होती है पोटेंशियल एनर्जी U तो बनेगा जाएगा माइनस पी ई पुट करो वैल्यूज थीटा वन की जगह लिखेंगे नाइन्टी यहाँ लिखेंगे नाइन्टी और थीटा टू की जगह लिखेंगे थीटा का तो बन गया कॉस थीटा माइनस कॉस नाइन्टी तो कॉस नाइन्टी तो ज़ीरो होता है सो ये आ गया माइनस पी ई कॉस थीटा तो यू आ गया यहाँ से माइनस पी डॉट ई रखे नहीं क्योंकि तो कॉस थीटा में आ गया डॉट तो प्रोडक्ट फॉर्मूले को नहीं बोलना है आपने ये वाला ये। ठीक है जी सो so, इसी के साथ ही होता है खत्म सो इसके बाद यदि इसके ऊपर स्पेशल केस पूछ ले कोई तो आप ऐसे कर सकते हो देखो इसको नंबर कोई भी जाएगा टू दे दिया स्पेशल केस में हो सकता है कि मान लेते हैं थीटा जीरो है तो बनता जाएगा थीटा ज़ीरो पर यहाँ सो यू हो गया माइनस पी कॉस जीरो कोस जीरो क्या होता है वन तो यू कितना हो गया माइनस पी ई तो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी आएगी माइनस पी ई जब सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा यहाँ डायपोल स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम तो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी कब आएगी जब थीटा कितना आएगा जीरो डिग्री तो जीरो डिग्री पे ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा रखेंगे यहाँ पूछ लेते हैं कभी कभी दूसरा केस क्या हो सकता है थीटा यदि नाइन्टी डिग्री है नाइन्टी भरेंगे नाइन्टी ज़ीरो होता है तो पोटेंशियल एनर्जी इसकी ज़ीरो आ जाएगी ठीक है तो ये आ जाएगा नाइन्टीन कॉस नाइन्टी ज़ीरो होगा तो पोटेंशियल एनर्जी कोई पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर नहीं होगी और थर्ड केस जो होगा वो होगा यदि वन एट्टी भरेंगे थीटा इज़ वन एटी तो वन एट्टी भरने के बाद यहाँ वन एट्टी आउटपुट करी तो यू आ जाएगा आपका माइनस पी ई कॉस वन एटी कॉस वन एट्टी तो भाई माइनस वन होता है तो माइनस इंटू माइनस क्या हो गया प्लस हो गया तो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी आएगी और वो आएगी पॉजिटिव पी क्योंकि कॉस वन एटी माइनस वन होता है माइनस इंटू माइनस प्लस पी सो डाइपोल विल बी इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होने का मतलब है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम समझे ठीक है एक थोड़ा सा कनेमेरिकल करेंगे कि ये मान लो प्लस फोर क्यू चार्ज है और ये आपका प्लस क्यू चार्ज है सो so इन आपको पता है ये दोनों चार्जेस कैसे हैं तो लाइक चार्जेज हैं मतलब दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव ना हालांकि इसका मैग्नीट्यूड फोर टाइम्स है इसका तो ऐसे सिस्टम में यदि आपको कोई क्वेश्चन पूछा जाए कि ऐसा पॉइंट निकालो जहाँ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो होगी तो मान लो यहाँ होगी जीरो सपोज कर लेते हैं इनके बीच का डिस्टेंस लेते हैं और ऐसा क्वेश्चन कोई पूछ ले कि फाइंड ये पॉइंट वेयर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज जीरो मतलब न्यूट्रल पॉइंट निकालना है न्यूट्रल पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है जीरो होती है मान लेते हैं पॉइंट पी पे है तो पॉइंट पी पे मैंने बोला कि जब जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता करनी तो वहाँ इमेजन करेंगे कि यहाँ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रख दिया प्लस वन रख दिया तो बताओ इसकी वजह से कहाँ जाएगा इधर को जाएगा कितने फोर्स से गेम आ लेते हैं एफ वन अच्छा इसकी वजह से कहाँ जाएगा क्योंकि ये पॉजिटिव है देखो इसको टेस्ट करना पहले इसकी वजह से इस वजह से इधर जाएगा अब इसको टेस्ट करो इसकी वजह से तो भी पॉजिटिव ही है तो इसकी वजह से भी इधर जाएगा कितने फोर्स से क्या है एफ़ टू से मान लो तो एफ वन क्या है बोलो फोर्स और सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे आप हाँ तो यहाँ पे बोलेंगे मज़ल ये हो गया कि ई वन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ प्लस फोर क्यू प्लस फोर क्यू की वजह से इधर गया है और ई टू है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ प्लस क्यू सो एट पॉइंट पी हाँ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज ज़ीरो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ये रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू तो ज़ीरो इफ़ इन दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होगा यदि फाइव है तो भी फाइव होगा ई तो वन इज इक्वल टू तो क्या होना पड़ेगा ई टू अभी ई वन की वैल्यू पुट करो ई वन किसकी फील्ड है प्लस फोर क्यू की तो बोलो फॉर्मूला के हाँ के मीन वन पॉइंट फोर फाइव से नॉट चार्ज अपॉन डिस्टेंस अब यहाँ से यहाँ तक यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ले लो एक्स एक्स डिस्टेंस वही मान लो तो परिगो कितना बचा आर माइनस एक्स ठीक है सो so यहाँ लिखेंगे एक्स इज़ इक्वल टू ई टू जो है वो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसका मतलब के इन टू जिसकी फील्ड है क्यू की है तो यहाँ क्यू लिखेंगे यहाँ फोर क्यू था अपॉन डिस्टेंस आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर तो के से के कैंसिल क्यू से क्यू कैंसिल तो इसको टू अपॉन एक्स का होल वन फोन आर माइनस एक्स का होल तो ये बन जाएगा देखो एक्स इज एकवल टू टू आर माइनस टू एक्स तो टू एक्स को इधर लाइए तो बन जाएगा थ्री एक्स इज एकवल टू टू आर तो एक्स इज एकवल टू टू बाई थ्री आर ये आने वाला आंसर तो कितनी दूर रखें टू बाई थ्री आर मतलब यहाँ जैसे रखेंगे यहाँ जैसे इधर तो को बचेगा आर बाई थ्री इधर को टू आर बाई थ्री तो इस पॉइंट पे जाकर इस सिस्टम की नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगी जीरो हो जाएगी याद रखेंगे मतलब आपने सीखा है यहाँ से कि सिमिलर चार्जिज हों तो न्यूट्रल जो पॉइंट होता है न्यूट्रल पॉइंट का मतलब होता है जहाँ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो है वो अंदर होता है अंदर का मतलब जो लाइन उन चार्जेस को ज्वाइन कर रही है उनके सेंटर्स को ज्वाइन कर रही है उसी लाइन में होगा कहीं अंदर ठीक है जी अच्छा यदि डिसिमिलर है तो मान लेते हैं प्लस जैसे मान लेते हैं ऐसे समझने के लिए प्लस थोड़ा कूलम है और मान लो आपका दूसरा है प्लस सिक्सटीन कूलम है यहाँ पे और यहाँ पे मान लेते हैं माइनस नाइन कूलम है इनके बीच का डिस्टेंस मान लेते हैं आठ मीटर है तो बताओ उसमें कहाँ वो पॉइंट कितने दूर होगा इन दोनों से जहाँ रिजल्ट इलेक्ट्रिक फील्ड सिस्टम की जीरो होगी तो भी अंदर तो हो नहीं सकता देखो यहाँ अंदर मैं कहीं रखूँगा ना मान लो ये पॉइंट अंदर ले लिया मैंने तो प्लस वन इसकी वजह से कहाँ जाएगा इधर जाएगा है ना और इसकी वजह से कहाँ जाएगा बिकॉज अट्रैक्शन होगी तो भी इधर जाएगा तो दोनों एक ही डायरेक्शन में चले जाएंगे तो कभी भी जीरो नहीं हो सकती इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ई होगी राइट साइड को और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी राइट साइड को ही होगी ई तो यहाँ जीरो हो ही नहीं सकता बिकॉज ये दोनों वैक्टरी एक ही डायरेक्शन में हो गए तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी यहाँ मतलब जीरो होने की संभावना ही नहीं है अगला क्वेश्चन आता है तो कहाँ है संभावना फिर तो अगले जो संभावना है वो होगी जिसका मैग्नीट्यूड कम है आप सोलह और नौ नौ कम है तो उसकी तरफ होगी बाहर उसी लाइन को आगे बढ़ाओ पॉइंट आ गया ठीक है ये आ गया पॉइंट बी हाँ यहाँ प्लस वन रखो अब देखो जरा प्लस वन हाँ इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी प्लस वन इधर जाएगा इसकी वजह से ई टू या ई वन बोल दो हाँ अब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी इस पॉइंट बी पे प्लस वन कहाँ जाएगा इसकी तरफ जाएगा अट्रैक्शन हो गया देखो आगे ना दूसरे के अपोजिट तब तो नेट फील्ड यहाँ क्या हो जाएगी जीरो ये फाइव है ये फाइव है तो नेट यहाँ जीरो होगी तो न्यूट्रल पॉइंट डिसिमिलर चार्जिज हैं एक जैसे नहीं एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है ये प्लस सोलह कुल्लू है माइनस नौ कुल्लू में तो डिसिमिलर चार्जिंग में न्यूट्रल पॉइंट कौन होता है बाहर होता है उसी लाइन को आगे बढ़ाएं उस तरफ हो इस तरफ नहीं होगा उस तरफ होगा जिसमें इन दोनों का मैगजूट कम में होता है सोलह नौ में कम कौन है नौ नौ की तरफ होगा इधर तो मान लेते हैं ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो जिसकी डिस्टेंस है वो ले लेते हैं एक्स जी इस चार्ज से इस पॉइंट का डिस्टेंस एक्स तो यहाँ से कितना बचा ये बोलो ये बचा एक्स प्लस एट ठीक है सो ई वन जो है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ प्लस सोलह कूलम ठीक है एट पी पी पर एंड ई टू है ए टू है ई वन इधर को ई टू लेफ्ट साइड को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ माइनस नाइन कोलम कौन से पॉइंट पे बोलो एट पी से सो so, एट पॉइंट पी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू जीरो इफ ई वन इज वल टू ई टू ई वन की वैल्यू पुट करो के ई वन किसकी फील्ड है यहाँ से पढ़ो सोलह कोल्लम की सोलह और डिस्टेंस कितना है सोलह कोल्लम का उस पॉइंट पी से सोलह का डिस्टेंस है आठ आठ का स्क्वायर इज इक्वल टू के ई टू किसकी फील्ड है बोलो नौ की मैग्नीट्यूड लेते हैं नाइन माइनस नौ है लेकिन नाइन ही लेना है ठीक है अपॉन डिस्टेंस कितना है भी इसका एक्स है एक्स स्क्र ठीक है एक बार फिर सोलह का डिस्टेंस कितना है पी से एक्स प्लस एट है ये एक्स प्लस एट है यहाँ ठीक है होल स्क्र है उसका लगा तो पता सिक्सटीन पुलों का डिस्टेंस एट नहीं है पी तक कितना है पी तक तो एक्स भी जोड़ना पड़ेगा ना इसमें एक्स प्लस एट है ये डिस्टेंस तो स्क्वेयर होता है नीचे और माइनस नाइन से कितना है एक्स स्क्र है तो फिर यहाँ के के कैंसिल हो जाएगा वन पॉइंट फोर बाई अब सेलन नोट होती है के वैल्यू नो ठीक है अब इसको कैसे लिखेंगे देखो इसको लिख देंगे फोर का स्केयर सोलह होता है फोर अपॉन एक्स प्लस एट ऐसे करिए इसको और इसको लिखा थ्री थ्री अपॉन एक्स का होल स्केयर ठीक है जी इसकेर स्केर, स्केर कैंसिल हो जाएगा सो यू विल गेट हाँ यह आ जाएगा आपके पास थ्री एक्स प्लस ट्वेंटी फोर प्रॉक्स मल्टीप्लाई करिए थ्री एक्स प्लस ट्वेंटी फोर इज इक्वल टू फोर एक्स इसको आ जाएगा आपके पास फोर एक्स फोर एक्स फोर इंटू एक्स फोर एक्स फोर इंटू फोर एक्स इज इक्वल टू थ्री से मल्टीप्लाई करिए इधर स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो चुका है थ्री एक्स प्लस एट थ्री से ट्वेंटी फोर सो थ्री एक्स इधर आ जाएगा तो बचेगा इधर एक्स इज एक ट्वेंटी फोर मीटर बोलने का मतलब इस चार्ज से ट्वेंटी फोर मीटर दूर जाके नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी सिस्टम की जिसमें एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज है जीरो की तो इस चार्स से नाइन माइनस नाइन कुलम से निकाला मैंने डिस्टेंस ही तो बताओ प्लस सिक्सटीन कुलम से कितना हो जाएगा तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा ट्वेंटी फोर यहाँ से यहाँ तक ट्वेंटी फ़ोर है इधर को आठ और भी है ना तो थर्टी टू हो जाएगा इससे निकालेंगे तो कितना मीटर हो जाएगा थर्टी टू मीटर और इससे निकाला ही हमने इससे मैंने एक्स निकाला ही निकाला कितना आ गया ट्वेंटी फोर मीटर सो भी यही था ओके देन